एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मेडिवल पीरियड, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूलर, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर अगर हम बात करें वो है राजा सुल्तान, और लास्ट रूलर अगर हम बात करें मेडिवल पीरियड की वो है राजा सुल्तान। तो वो कौन सी वुमेन थी जिसने पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे दिल्ली की तरफ, यानी दिल्ली सल्तनत की हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। किस तरह से उन्होंने दिल्ली का आगाज किया, किस तरह से उन्होंने दिल्ली को कंस्ट्रक्शन की, किस तरह से उन्होंने दिल्ली को एक डेवलपमेंट किया, और कौन कौन से रूलर्स रहे, और किस तरह उनकी फिर उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आए थे, और क्यों डायनेस्टी चाहे हम बात करेंगे सलेव की बात, खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद एक और डायनेस्टी आए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलेव डायनेस्टी, यानी दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो सबसे पहले है सलेव डायनेस्टी। तो चलिए हम सलेव डायनेस्टी की हम नजर डालते हैं क्या है सलेव डायनेस्टी। तो सबसे पहले हम सलेव डायनेस्टी की बात करें तो सलेव डायनेस्टी का एक और नाम से जानते हैं अलबेरी डायनेस्टी, अलबेरी डायनेस्टी के भी नाम से जानते हैं जिसे हम सलेव डायनेस्टी कहते हैं। तो सलेव डायनेस्टी का पहला रूलर, यानी पहला जो रूल करने वाला, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक सलेव डायनेस्टी का पहला रूलर है। अगर हम टाइम की बात करें हैं 1206 से लेकर 1210 तक उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो क्या है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले क्या किया, कैपिटल को लाहौर लिया, यानी कैपिटल को शोर लेटर, उसके बाद दिल्ली। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक और क्या किया, कुतुबुद्दीन ने बिल्ड किया है कुतुब मीनार, ये सबों को पता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्ड किया है कुतुब मीनार कहाँ पे, दिल्ली में। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है बिल्ड कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार एट दिल्ली में। तो अब हम कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार टैलेस्ट ब्रिक मेनिरिट इन द वर्ल्ड है। अगर हम कुतुब मीनार की जो साइज़ की बात करें तो 72.5 इसके मीटर्स है, और 239 इसकी हाइट है। अगर हम बात करेंगे इन अली 139 में बनाए गए हैं कुतुब मीनार। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कुतुब मीनार, और यहाँ पे डेट मेंशन, और किसने बनाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और इस और क्या काम किया है कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्ट इज़ कवातुल इस्लाम एट दिल्ली, यानी बहुत ही कारनामे उसने, लेकिन हम उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यानी उसने किया था बिल्ड कवातुल इस्लाम एट दिल्ली में। अब हम बात करेंगे वो कौन सा किंग रहा, कौन सा रूलर रहा, किस डायनास्टी का रहा जो डाइड हुआ वाइट वाइल प्लेइंग द जोगोंग, या फिर सोना चू पोलो, यानी जिससे हम पोलो कहते हैं। तो पोलो के वक्त वो कौन सा जो किंग है वो उसकी मौत हो गई है, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी एग्जाम में ये पॉइंट आ सकते हैं हु, यानी वो कौन सा रूलर है जो खेलते खेलते उसकी जान चली गई, यानी वो मर गया था पोलो, उसका उस गेम का नाम है, या उस रूलर का नाम है, तो गेम का नाम है पोलो, रूलर का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में यानी कुतुब मीनार बनाया, और दिल्ली में अगर हम हाइट की बात करें तो वो है 239, अगर हम मीटर्स की बात करें तो 72.5 मीटर्स है। तो और क्या क्या कहें, और कुवैतुल इस्लाम एट दिल्ली में उसने जो कंस्ट्रक्शन किया, बिल्ड किया है। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के पॉइंट्स, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के कारने में। अब हम कुतुब के बाद आते हैं अल्तुतमिश, अल्तुतमिश आता है उसके बाद इसी डायनास्टी की, यानी अभी हम सलेव डायनास्टी को डिस्कस करते हैं, अभी हम यही इसी डायनास्टी के जो रूलर्स को डिस्कस करेंगे। तो अल्तुतमिश, अल्तुतमिश के अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें 1210 से लेकर 1236 तक उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो अल्तुतमिश को कहते हैं शमसुद्दीन अल्तुतमिश, अल्तुतमिश, और वाज सन लॉ ऑफ ऐबक, यानी वो कौन किसका है, सन लॉ ऑफ ऐबक, एंड कंसिडर द स्लेव, द स्लेव ऑफ द सिली, यानी ये कंसिडर करता है स्लेव ऑफ द सिली। अब हम इसकी बात करेंगे अल्तुतमिश की क्या क्या कार्य में थे। तो वो उसने क्या किया, ट्रांसफर कैपिटल को लाहौर टू बढ़ा, यही उनकी प्रॉब्लम होती है, ये ट्रांसफर करते हैं कैपिटल एक जगह से लेके दूसरी जगह को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल को। तो अब हम बात करेंगे ही फॉरवर्ड द तुर्कीनी चलंगनी, यानी चलसा, ए ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल तुर्किश नोबल्स, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें अल्तुतमिश की बात करें, इसमें यही पॉइंट है। उसने सबसे पहले क्या किया, तो ट्रांसफर किया कैपिटल, ठीक है, और ही फॉर्मड तुर्की चलंगिनी चलस, वो कौन सा है, किसका है, वो क्या है, ए ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल तुर्किश नोबल्स का, यही किसने किया, अल्तुतमिश ने। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली, एंड डिवाइडेड हिज एम्पायर इंटू द अकतास, ये किसने किया था, ये किया था अल्तुतमिश ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ही इंट्रोड्यूसेस द टू टाइप्स ऑफ क्वाइनस, यानी सिल्वर टंका जिसे हम कहते हैं, और कापर जिसे हम जितेल कहते हैं, जितेल भी कहते हैं।
तो वो कौन सा रूलर, वो किस डायनास्टी का था जिसने डिवाइड किया हिज एम्पायर इनटू टू के तहत, और वो कौन सा जिसने इंट्रोड्यूस किया था टू टाइप्स ऑफ कॉइन्स, पहले सिल्वर और उसके बाद है कॉपर। लेकिन अगर हम कॉपर का नाम और जानना चाहते हैं वो है जटिल, अगर हम सिल्वर की बात करें तो वो है टंकर। तो ये कौन था? ये था इल्तुतमिश। ठीक है, सेलिव डायनास्टी अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, सेलिव के बाद पहला कुतुबुद्दीन ने भी, फिर इल्तुतमिश, ये था इल्तुतमिश। अब और भी सेलिव डायनास्टी का एक और रूलर आती है वुमेन, तो वो है रज़िया सुल्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर है वो वीडियो है टॉपिक है वो है सॉरी रज़िया सुल्तान। तो चलिए रज़िया की तरफ हम जाते हैं। तो रज़िया सुल्तान का टाइम रहता है 1236 लेकर 1240 तक, यानी टाइम ड्यूरेशन रहता है रज़िया सुल्तान का। अगर हम बात करेंगे डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश की बेटी है वो फर्स्ट, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम करेंगे यानी रज़िया की बात है, रज़िया वाज एन एक्सलेंट एंड हॉर्स वुमेन वी लीड टू द आर्मी हरसेल्फ, यानी रज़िया की बात करें तो बहुत ही, यानी इसमें एक पावर है, इसमें कैपेबिलिटी है, एक्सलेंट हॉर्स वुमेन, इसे हॉर्स वुमेन भी कहा जाता है, क्यों? वी लीड टू द आर्मी हरसेल्फ, यानी वो एक और इसलिए उसको हॉर्स वुमेन कहा जाता है। एंड शी डिसरिगार्डेड पर्दा, उसने डिसरिगार्ड किया पर्दा और प्रमेटेड जलाउद्दीन यकर, किसने किया? रज़िया सुल्तान ने। अगर हम बात करें वो कौन सी वुमेन थी जिसने पहले रूल किया था मेडिवल पीरियड और लास्ट, वो है रज़िया सुल्तान। और अगर किससे कहते हैं हॉर्स वुमेन, किससे कहते हैं, तो वो है रज़िया सुल्तान। और वो किस डिस्ट्रिक्ट, उसने कौन से डिस्ट्रिक्ट किया था? वो किया था पर्दा सिस्टम। उसने किस चीज़ को प्रमोट किया था? जलाउद्दीन यकी। तो ये थे इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि ये रज़िया सुल्तान की, और इसने उसके रज़िया सुल्तान हमें कवर किया, इल्तुतमिश कवर किया हमने, और कुतुबुद्दीन अभी के अभी बलबन रहा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बलबन करेंगे। बलबन तो फिर हो गया सेलेवक डायनेस्टी का टॉपिक क्लोज, उसके बाद एक और डायनेस्टी कवर करें। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ एक ही डायनेस्टी को क्लियर किया, यानी सेलेवक डायनेस्टी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जिनको सपोर्ट करना।